वेलकम डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। तो CS601 का पेपर जो आज हुआ है वो शेयर करेंगे। तो विरचि यूनिवर्सिटी की आप शीट भी देख रहे हैं, 601 का पेपर शेयर करेंगे। इसमें से आप लोगों को ये बता दूं कि आपके 16 MCQs आ रहे हैं और 6 क्वेश्चन आ रहे हैं। टोटल क्वेश्चन जो हैं आपके 24 आ रहे हैं, नहीं 22 आ रहे हैं, ठीक है। टोटल क्वेश्चन 22 आ रहे हैं और 16 MCQs हैं, और जो आपके 6 जो हैं क्वेश्चन हैं, इसमें 6 क्वेश्चन कैसे हैं, तीन तीन नंबरों वाले कितने हैं, 3 क्वेश्चन हैं, ठीक है। और उसके बाद जो है मेरे ख्याल तीन तीन नंबरों वाले 4 क्वेश्चन हैं, और दो दो नंबर जो चार चार नंबरों वाले, सॉरी पांच पांच नंबरों वाले जो हैं वो 2 क्वेश्चन हैं। इस तरह से ये पेपर आ रहा है, आप लोग देख लें। क्वेश्चन पहला उसने जो है आपसे पूछा है क्या भला, MCQs। लेकिन इससे पहले मैं एज ए ब्रदर, एज ए टीचर, एज ए फ्रेंड रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबा के ऑल पे क्लिक कर दें, ताकि आने वाली भी वीडियो आपको आसानी से मिल सके और मेरा भी कुछ फ़ायदा हो जाए और तुम लोगों का भी कुछ फ़ायदा हो जाए। बल्कि आप लोगों का तो मैं फ़ायदा कर रहा हूँ। देखें, आप लोगों को एक पेपर मैंने मंगवाया है और शीट के साथ, और फिर आप लोगों को शेयर भी कर रहा हूँ। तो क्या है पहला क्वेश्चन, उन्होंने एब्रीवेशन पूछी है इसकी। एब्रीवेशन क्या, IEEE802.11। तो BSCS स्टैंड फॉर क्या है, तो BSSS जो स्टैंड फॉर है वो आपने मालूम करना है। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 2 उन्होंने पूछा है, ऑर्डर दिस, फाइंड स्पेलिंग्स ट्री। ये आप लोगों ने पढ़ा होगा, जो असाइन ए मैट्रिक्स ईच लैन, LAN लैन, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका MCQs के हैं, ये MCQs आपसे शेयर कर रहा हूँ। फिर इंशाल्लाह आपको आगे जो है दूसरे क्वेश्चन भी शेयर करता हूँ। इसके बाद MCQs क्या, APR क्या है, वन ऑफ द जो है आप लोगों का प्रोडक्ट, विच इज़ द मैप्स ड्रेस टू द ड्रेस, तो इसके अंदर कौन सा आंसर आएगा, ये आप लोगों ने खुद ही फाइंड करना है। मैंने कोई नहीं फाइंड किया, और मैंने जैसे आया है पेपर मैंने इधर आप लोगों को दिखा दिया है, ठीक है। डेट मैंने यहाँ से रेस कर दी थी, ठीक है, इस तरह से। और ये यहाँ पे कोड कोड जो था मैंने ये वाला इस तरह से था। उसके बाद TUP इन दिस SS जो है 7 इज यूज फॉर, तो ये किसके लिए यूज़ होता है, ये उन्होंने का मल्टीपल चॉइस था, वो आपसे पूछा है। इंशाल्लाह आपसे मल्टीपल चॉइस जो हैं, जितने भी 7 मल्टीपल चॉइस उसने लिखे थे, और इसके बाद आपके कुछ क्वेश्चन हैं वो भी बताएंगे, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन मेरा ख्याल पूरे ही हैं, ये आपका स्टैंड फोर था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 था, आप लोग इसको भी स्टडी कर लें, स्क्रीनशॉट लेना स्क्रीनशॉट ले लें, और 5 और 6 मैंने दोनों शेयर कर देता हूँ, ठीक है। 5 और 6, बल्कि कोशिश कर रहा हूँ दोनों, हाँ 5 और 6 जो है ना MCQs में आपसे यहाँ तक होगा। ये लें, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें। इसके बाद नेक्स्ट आप लोगों को वो भी दिखाता हूँ, सारे क्वेश्चन जो हैं, और आगे लॉन्ग भी इंशाल्लाह, और शॉर्ट क्वेश्चन भी आप लोगों को दिखाता हूँ। लेकिन ये है कि आप हमारे साथ कॉपरेट किया करें, इंशाल्लाह आप लोगों को इस तरह का मटेरियल शेयर करते रहेंगे। कॉपरेट का मतलब क्या है, हालांकि उन्होंने लिखा हुआ है कि सबमिट डेट चाहिए, ये देख सबमिट शीट्स कहाँ पे, कैंपस में आपने एग्ज़ाम शीट सेंटर में जमा करवानी, फिर भी बचे बस ले आते हैं, क्या करें, मजबूरी है। फिर आप लोगों को बताना होता है पेपर ये आया है, ठीक है। और ये इस तरह से हम आप लोगों को पेपर शेयर कर देते, ये आ गया। इसके बाद 2 MCQs और पूछे थे, वो आप लिख लें। LDLL स्टैंड फॉर क्या होता है, इसका स्टैंड फॉर मालूम करना है। FTTFP क्या होता है, इसका आपने स्टैंड फॉर बताना था, एब्रीवेशन बतानी थी। FTTC जो स्टैंड फॉर था वो आप लोगों ने बताना था, ठीक है। इसके बाद इंशाल्लाह आपको लॉन्ग और शॉर्ट क्वेश्चन जो हैं वो शेयर करते हैं जी। इसको अच्छी तरह से पढ़ लें, वीडियो को तावील नहीं करूंगा, 4-5 मिनट में ही क्लोज करूंगा, लेकिन आप लोगों को दोबारा से MCQs में दिखा दूं। जे लें, दोबारा से आप लोग देख लें, पेपर भी देख लें, शीट भी देख लें, इसका स्क्रीनशॉट लें पहले। जी इसके बाद 3 और 4 वाले का स्क्रीन शॉट लें, बल्कि 1, 2, 3 का स्क्रीन शॉट ले लें। जी इसके बाद ये 5, 6 का तो आप लोगों ने पहले स्क्रीनशॉट ले लिया है, अगर लेना चाहें तो ले लें, ब्रेक कर देता हूँ फिर आगे चलते हैं।
जी डियर स्टूडेंट्स, इसके बाद आप लोग सातवां और नौवां क्वेश्चन जो है, ये जो है आप इधर आठवां लिखना, सातवां लिखा हुआ है, इसको करें स्क्रीनशॉट लें इसका। इसके बाद आपसे क्या करते हैं, लॉन्ग शेयर करते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन आपका, शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन। ये आपका एक क्वेश्चन आया हुआ था और ये मेरा ख्याल लॉन्ग क्वेश्चन था 5 मार्क्स का, इसको भी लिख लें। VLAN कंटेंट टू द, ये आप लोग स्टेशंस बिलोइंग्स टू द डिफरेंस फिजिकली लैंड, ठीक है। आगे ये सारा का सारा आप लोग स्टडी कर लें, इसको अच्छी तरह से पढ़ लें। जी सेम नीचे आ जाएं, अब दूसरा क्वेश्चन है, इसको ये देख लें, ये वाला क्वेश्चन, ये मेरा ख्याल 2 नंबर का था, सॉरी 3 नंबर का था। मैक्सिमम जो है कि हेमिंग्स डिस्टेंस जो आप लोगों ने कैलकुलेट करनी थी 5 थी, और मैंने भी जो है कि इसको करेक्टेड करना था बिट्स एंड द जो आपने क्या करना था डिटेक्ट टेबल करना था। ये आप लोगों ने क्वेश्चन इस तरह से लिखा हुआ था, मैंने आप लोगों को दे दिया, बच्चे लिख के लाते हैं फिर क्या करें, फिर समझदार हैं आप, मेरी बात तो समझ गए होंगे, हैं कि नहीं जी डियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपसे शेयर करते हैं जी, इसके बाद जो है हम नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे शेयर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, क्वेश्चन नंबर 3 देखें, इसको अच्छी तरह से पढ़ें, कैलकुलेट वाला, ये और चीज है, वो और चीज है, ये और चीज है, ठीक है। इसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखें, ये वाला आपके पास आ गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 5 मार्क्स का क्वेश्चन आया था। थैंक्स फॉर वाचिंग वीडियो, और क्या कहना है मैंने, और कुछ नहीं कहना, लाइक और कमेंट अपने जैसा कर दें, जैसे आप खुद हैं वैसा कमेंट कर दें, अच्छे हैं तो अच्छा कमेंट करेंगे, तो बाकी आप लोगों को पता है कैसे हैं आप। इस तरह से मैंने इसका ऐसे भी बनाया था, अगर मैंने कहा आप लोगों को समझ ना आ रहे तो मैं ऐसे भी शेयर कर दूँगा, यानी कि तेज़ लाइट वाले मैंने स्क्रीन बनाए थे, यानी कि स्कैनर के अंदर ऐसे किया था, फिर कहेंगे सर ने अपने पेपर पर लिख दिया था इसलिए मैंने आप लोगों को यही दिखा दिया। तो इस तरह से भी आप कर सकते हैं, ये आपके क्वेश्चन थे, ये आपके शॉर्ट लॉन्ग क्वेश्चन दोबारा से शेयर कर रहा हूँ, देख लें। जी इसके बाद ये देख लें, अब आपसे लेते हैं इजाज़त, नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, तो दुआ में याद रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।